गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ क्लास 11 के पोएट्री का दूसरा पोएम जिसका नाम है द स्कॉलर, जिसका मतलब हुआ विद्वान, जिसे लिखे हैं रॉबर्ट साउदी। इस प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को एक विद्वान के रूप में मान लेता है तथा उस रूप में एक विद्वान की रुचि अरुचि आशा तथा स्वप्नों का वर्णन करता है। आइए यहाँ से देखते हैं। लेखक एक पुस्तकालय में बैठा हुआ है और कहता है, माई डेज एमंग द डीड आर पास्ट। माई डेज मेरे दिन, एमंग मतलब बीच में, द डीड मतलब मृत लेखकों की पुस्तकों के बारे में कह रहा है, आर पास्ट मतलब बीत जाते हैं। मेरे दिन मृत लेखकों की पुस्तकों के अध्ययन में बीत जाते हैं। अराउंड मी अपने चारों ओर, आई बिहोल्ड मैं देखता हूँ, व्हेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, दिज कैजुअल आईज, ये कैजुअल मतलब आकस्मिक, आईज मतलब मेरी आंखें, आर कास्ट मतलब पड़ जाती हैं। कहता है कि अपने चारों तरफ जहाँ कहीं भी आकस्मिक रूप से मेरी आंखें पड़ जाती हैं या मेरी दृष्टि पड़ जाती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड मैं अतीत के महान लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकों को देखता हूँ। द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड मतलब जो बीत चुका है, यानी कि जो लेखक मर चुके हैं। माई नेवर फेलिंग फ्रेंड्स आर दे, माई नेवर फेलिंग मतलब कभी भी असफल नहीं होने वाले, फ्रेंड्स आर दे मतलब वे लोग। कहता है कि ये मेरे कभी भी धोखा न देने वाले मित्र हैं। With whom जिनके साथ I converse मैं वार्तालाप करता हूँ, day by day मतलब दिन प्रतिदिन, अर्थात उन पुस्तकों का मैं अध्ययन करता हूँ और ये मुझे कभी न धोखा देने वाले मित्र के समान प्रतीत होती हैं। With them I take delight in weal, with them मतलब उनके साथ, I take मतलब मैं लेता हूँ, डिलाइट मतलब आनंद, इन व्हील का मतलब होता है सुख, उनके साथ मैं सुख में आनंद लेता हूँ। एंड सीक मतलब तलाश करना, रिलीफ मतलब सांत्वना या आराम, इन ओ मतलब दुख, और दुख में मैं सांत्वना प्राप्त करता हूँ। एंड व्हाइल आई अंडरस्टैंड एंड फील, और व्हाइल मतलब जब, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड फील मतलब महसूस करता हूँ, हाउ मच टू देम मतलब कितना ज्यादा, टू देम मतलब उनका अर्थात लेखकों का, आई ओ मतलब ऋणी। कहता लेखक कि जब मैं समझता हूँ और यह महसूस करता हूँ कि मैं लेखकों का कितना बड़ा ऋणी हूँ, माई चिक्स मेरे गाल हैव ऑफन मतलब प्रायः बीन बीड्यूड, बीड्यूड का मतलब होता है भीग जाना, तो मेरे गाल भीग जाते हैं, विथ टीयर्स मतलब आंसुओं से, आप थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, थॉटफुल मतलब विचारशील, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता अर्थात अत्यधिक कृतज्ञता। तो लेखक कहता है कि जब कभी मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उन महान लेखकों का कितना ज्यादा ऋणी हूँ, तो मेरे गाल प्रायः अत्यधिक कृतज्ञता के आंसुओं से गीले हो जाते हैं। माय थॉट्स आर विद द डीड, माय थॉट्स मतलब मेरे विचार, विद द डीड मतलब उस प्राचीन लेखकों के साथ है, विद देम जिनके साथ, आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर मैं लॉन्ग पास्ट ईयर मतलब लंबे समय से रहता हूँ। कह रहा है कि मेरे विचार उन प्राचीन महान लेखकों के साथ है जिनके साथ मैं लंबे समय से रहता हूँ। देयर वर्च्यूज लव, वर्च्यूज मतलब गुण, लव मतलब प्रेम करना, मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। देयर फॉल्स कंडेन, देयर फॉल्स मतलब उनके दोषों का, कंडेन मतलब आलोचना करना,
मैं उनके दोषों का आलोचना करता हूँ, यानी मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ और उनके दोषों का आलोचना करता हूँ। पार्टेक देयर होप्स एंड फियर्स, पार्टेक मतलब हिस्सा लेना, देयर होप्स मतलब उनकी आशाओं में, एंड फियर्स मतलब भय में। मैं उनकी आशाओं में तथा भय में हिस्सा लेता हूँ। एंड फ्रॉम देयर लेसन्स, और उनकी लेसन्स मतलब शिक्षाओं से। सीख, तलाश करता हूँ। एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन, और निर्देश प्राप्त करता हूँ। विथ एंड हम्बल माइंड, हम्बल माइंड मतलब विनम्रता के साथ। लेखक कहता है कि उनकी शिक्षाओं से विनम्रता के साथ निर्देश ग्रहण करता हूँ। माई होप्स आर विद द डीट, मेरी आशाएं, होप्स मतलब आशाएं, मेरी आशाएं उन महान लेखकों के साथ है। एनन मतलब बहुत ही शीघ्र। माई प्लेस, मेरा स्थान। विथ देम विल बी, उनके बीच में होगा। लेखक यह कहना चाहता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा भी स्थान उनके बीच होगा। एंड आई विथ देम शैल ट्रेवल ऑन, और मैं भविष्य में उनके साथ ट्रेवल यात्रा करूंगा। थ्रू ऑल फ्यूचरिटी मतलब संपूर्ण भविष्य, यानी कि संपूर्ण भविष्य में उनके साथ अपने दिन बिता दूंगा। एट लिविंग हियर ए नेम, फिर भी यहाँ एक नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट, और मुझे विश्वास है। दैट विल नॉट पेरिश, पेरिश का मतलब होता है नष्ट होना, इन द डस्ट मतलब धूल में। मुझे विश्वास है कि मेरा नाम धूल में नष्ट नहीं होगा, यानी कि मेरा विश्वास है कि मेरा नाम कभी नहीं भुलाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी।